संसदर निलंबित विरोधी सांसदों प्रतिवाद मार्च संसदर 143 जन विरोधी दल सांसद निलंबित होगापर से आज प्रतिवाद राली करुछन्ते। निलंबित सांसद माने काली जंतर मंतरे विक्षोभ प्रदर्शन करेंगे, ये बड़ खबर हो। संसदर निलंबित विरोधी सांसद आज रैली करुछन्ते, प्रतिवाद करुछन्ते। हमें पहले निकाला था और हमारी गलती क्या थी? हम सिर्फ किसानों के लिए न्याय मांग रहे थे, ये हमारी गलती है और इसीलिए हमको निकाला गया। तीन बिल भी पारित हो गए हैं अभी सेशन में और 97 सस्पेंडेड एमपीज रहे हैं, उसके बावजूद भी पास कर दिए गए। यही तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, दिस इज अनडेमोक्रेटिक। ऑपोजिशन में कोई नहीं है और आप बिल पे बिल पास कर रहे हैं, गलत है। और हम तो चर्चा के लिए तैयार थे, मैं पहले दिन से सरकार को कह रही थी कि बैठे चर्चा करे और हाउस चलाने के लिए चर्चा के लिए हम पूरी ताकत से तैयार थे, उसके पहले ही हमको निकाल दिया। तो जो बड़ खबर हो, संसदर 143 विरोधी सांसद निलंबित होती एवं अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, इट्स ऑल रिटन हियर, द डेमोक्रेसी हैज बीन मैसेकर्ड, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट देयर, यू कुड सी द होम मिनिस्टर स्पीकिंग यूनिलैटरली, दिस इज अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट। That reason is only opposition asking for the reply from the government. All we want is a statement from the Home Minister in the presence of the Prime Minister about the events which happened on December 13th and the subsequent action they have taken. This is only fair, and a flagrant violation had happened to the sanctity of the House, and we are only asking for a statement from the Home Minister. This is only fair that we ask that. So all that they have passed the criminal law in the absence of 97 MP. See, people do not understand the far-reaching consequences these draconian laws will have. These laws are only going to strengthen the police state. This the entire idea is to control.